और मित्रों, कई महत्वपूर्ण विषयों पर आज आपसे हम बात करेंगे। हम बात करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य की, जिन्होंने श्री रामचरितमानस का अपमान किया था और उनको एक हनहनाता हुआ जूता पड़ा है, और वो जूता किसने मारा है, क्या पूरी घटना आपको हम बताएंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनकी दूसरी पुण्यतिथि थी और इस मौके पर अलीगढ़ में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम में अमित शाह, योगी आदित्यनाथ एकदम साथ नजर आए और इसी कार्यक्रम में एक बार फिर से आवाज ये उठी कि अलीगढ़ का नाम बदला जाए। तो उसका पुराना नाम क्या था अलीगढ़ का, इस पर भी चर्चा करेंगे, इस इतिहास को टटोलेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे किस तरह से हमारे जो वैज्ञानिक हैं, एक वीडियो सामने आया है, वो किस तरह से आध्यात्मिक की तरफ उनकी रुचि है, ये हम बताएंगे। और साथ ही हम बात करेंगे पाकिस्तान के एक वीडियो की, क्योंकि अक्सर जो जिहादी हैं वो कहते हैं कि साहब गौमूत्र नहीं पीना चाहिए, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर ऊंट का मूत्र पिया जा रहा है तो क्या पूरा घटना है, वीडियो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य की। तो मित्रों, ये जो समाचार है आज लगभग सभी जो बड़े बड़े अखबार हैं सब में छपा हुआ है और खबर की हेडलाइंस ये है कि रामचरितमानस पर टिप्पणी से नाराज युवक ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका। तो ये पूरा मामला क्या है, जरा देख लेते हैं एक बार। तो मित्रों, ये सोमवार की बात है। सोमवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक स्थानीय युवा अधिवक्ता ने जूता फेंक कर हमला कर दिया और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पिछड़ों के सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला करने वाले युवक को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया और उसको पीटने की कोशिश की, लेकिन जैसे तैसे पुलिस ने जूता फेंकने वाले युवक को पकड़कर थाने में ले गए। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जूता फेंकने के जो आरोपी हैं आकाश सैनी, जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने ये बताया कि सम्मेलन में स्वामी प्रसाद मौर्य के जो समर्थक थे उन्होंने जो बैनर और पोस्टर लगाए थे उसमें उनके समाज के नेता की फोटो और नाम नीचे दिया गया है, इससे वो काफ़ी ज़्यादा आहत हुए। और इसके पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने श्री रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी करके सनातन धर्म और हिंदुओं की आस्था को चोट पहुँचाई थी और यही कारण है कि वो नाराज थे आकाश सैनी, जिन्होंने जूता फेंका। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह कहा है कि वो ऐसे हमलों से घबराने वाले नहीं हैं। यानी कि कुल मिलाकर के बात यह है कि जो आकाश सैनी थे वो इस बात से नाराज थे कि वो पिछड़े समाज से वो भी आते हैं और पिछड़े समाज के एक महापुरुष की फोटो लगी हुई थी और वो फोटो लगी हुई थी स्वामी प्रसाद मौर्य के बैनर पोस्टर के साथ में, उससे वो आहत हुए और इसीलिए उन्होंने उनके ऊपर जूता फेंका, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो एक तरह से देखा जाए तो श्री रामचरितमानस का अपमान भी कर चुके हैं, ये पूरा मामला है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे बीजेपी की साजिश बताया और ये कहा कि जिस युवक ने हमला किया है वो हमारे आपके बीच का है, यानी कि जिस युवक ने आकाश सैनी ने हमला किया है वो जाति से सैनी है, यानी वो भी जो है एक तरह से देखा जाए तो ओबीसी समाज से आता है। हालांकि जो आरोप अखिलेश यादव लगा रहे हैं वो आरोप सही नहीं लगते, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ओबीसी समाज है का युवक है जिसने जूता फेंका है किसने फेंका। बात यह है कि श्री रामचरितमानस का अपमान जो किया था उस अपमान का दंड जो है वो संविधान नहीं दे पाया। हिंदुओं की इतनी बड़ी धार्मिक ग्रंथ, उसका इस तरह अपमान हुआ और उसका कोई जवाब संविधान की तरफ से, वकील की तरफ से, अदालत की तरफ से नहीं आया, किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया, सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया और यही वजह थी कि अब हिंदू समाज को खुद आगे आकर के अपने धर्म का अपमान करने वाले लोगों को दंडित करना पड़ रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ी बात ये है। तो मित्रों, उत्तर प्रदेश के अंदर कल्याण सिंह एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व थे, एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी थे, एक बहुत बड़े लीडर थे और उनकी दूसरी पुण्यतिथि थी। सबसे बड़ी बात यह है, उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उनके ही शासनकाल में जो बाबरी थी उसको ढाया गया था और इसके लिए सदैव हिंदू समाज उनका ऋणी रहेगा। और जब जो है कारसेवकों पर गोली चलाने के लिए बात की गई तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि वो कारसेवकों पर गोली नहीं चलाएंगे, चाहे उनकी सरकार ही क्यों ना चली जाए। तो ये एक बहुत बड़े व्यक्तित्व की जो एक कहानी है आप सबको पता है, लेकिन अलीगढ़ के अंदर जो है वो अलीगढ़ के ही, विशेष रूप से अलीगढ़ ही उनका एक तरह से होम डिस्ट्रिक्ट था और अलीगढ़ में जब दूसरी पुण्यतिथि हुई जब कल्याण सिंह की, तो उस मौके पर जो है अलीगढ़ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में जो है योगी आदित्यनाथ जी आए, इस कार्यक्रम में अमित शाह आए और इस कार्यक्रम में
केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं वो भी आए, और इसके बाद वहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ उसमें सबसे बड़ी बात ये उठी कि जो नाम अलीगढ़ का है उसको हरिगढ़ किया जाए। इसका ऐतिहासिक नाम क्या है, अलीगढ़ का पुराना नाम क्या है, इसके बारे में तो बाद में चर्चा करेंगे, पहले जरा एक बार समाचार देख लेते हैं क्या आखिर ये मामला है क्या। तो मित्रों, अलीगढ़ में सोमवार को नजारा आम दिनों से बिल्कुल अलग था। मौका था पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह उर्फ बाबूजी को उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने का। इस मौके पर हुए कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गज मौजूद थे। सभी ने अपने अपने अंदाज में बाबूजी को श्रद्धांजलि दी, लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बाकी दिग्गजों से एक कदम आगे निकल गए। जब केशव प्रसाद मौर्य को बोलने की बारी आई तो उन्होंने सबसे पहले जय श्री राम का नारा लगवाया। इतना ही नहीं, उन्होंने भारी भीड़ के बीच में अलीगढ़ का नाम बदलने का भी संकेत किया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हरिगढ़ वालों बोलो जय श्री राम, अयोध्या में बाबूजी का सपना पूरा हो रहा है, इससे बड़ी कोई और बात नहीं हो सकती है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटें जो है वो बीजेपी को लाना है और केंद्र में फिर से मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। तो ये नाम बदलने वाला मामला क्या है, जरा इसको भी देख लेते हैं। तो 2021 में बना था अलीगढ़ का नाम बदलने का प्रस्ताव। हिंदूवादी अक्सर अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने की मांग करते रहे हैं। 2021 में जिला पंचायत का चुनाव होने के बाद जब सत्ता परिवर्तन हुआ था तब जिला पंचायत में अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने का प्रस्ताव भी बनाया गया था। उस दौरान भी इसको लेकर राजनीति भी काफी गरमाई थी, लेकिन इसके बाद ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं दिल्ली से पिछड़ों के लिए काम करने वाले बाबू जी स्वर्गीय कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने आया हूँ। वो वक्त था जब राम भक्तों का सैलाब अयोध्या में उमड़ रहा था, लोगों ने दबाव बनाया कि गोलियां चलाकर कार सेवकों को रोका जाना चाहिए। उस वक्त बाबू जी ने बड़ा निर्णय लिया, मैं गोली नहीं चलाऊंगा, मैं मुख्यमंत्री पद का त्याग कर दूंगा और गोली नहीं चलाऊंगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा बलिदान था। इसकी चर्चा अमित शाह ने की, लेकिन मैं थोड़ा सा मित्रों आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित कराना चाहूंगा कि आखिर जो अलीगढ़ है, अलीगढ़ का इतिहास क्या है, क्योंकि यहां पे जो मांग की जा रही है अखबारों में कि नाम इसका हरिगढ़ किया जाए, लेकिन दरअसल इसका नाम हरिगढ़ नहीं था। अलीगढ़ का नाम जो था वो पहले रामगढ़ था, और इसके दस्तावेज भी मौजूद हैं। तो पूरा जो मामला है उसको एक बार समझिए कि इसका इतिहास पूरा क्या है, क्योंकि नाम ही तो सब कुछ है, नाम में ही तो हिंदुओं की पहचान थी और नाम ही को तो लगातार मिटा दिया गया पूरे इतिहास में। तो जो अलीगढ़ है वो जबरन चिपकाया हुआ नाम है। इसका जो सबसे पुराना नाम जो अलीगढ़ का था वो था कोल या कोइल। सदियों पहले राजपूतों ने शहर के बीचों बीच एक किला बनवाया था अलीगढ़ के, आज जो अलीगढ़ है उसके, जिसका नाम था कोल। इसका पुराना नाम सबसे पहले बदला दिल्ली के जिहादी सुल्तान इब्राहिम लोदी ने 1524 से 25 ईस्वी के करीब, यानी आज से करीब 500 साल पहले कोल का नाम मोहम्मदगढ़ रख दिया गया था। उस दौर में मंदिरों को तोड़ा गया, लोगों का धर्मांतरण किया गया, जो लोग कायर थे डर गए, उन्होंने फौरन धर्म बदल लिया, जो बहादुर थे वो लड़ते रहे। कुल मिलाकर के पूरे इलाके के सांस्कृतिक रूप को बदलने की पूरी कोशिश की गई। सदियों तक पूरे इलाके पर मोहम्मदगढ़ नाम चिपकाने की कोशिश सुल्तानों के द्वारा चलती रही। इसके बाद आज से करीब 250 साल पहले यह इलाका अवध के नवाबों के अधिकार में आ गया। तब नवाब ने यहां का गवर्नर सिबत खान को बनाया। तो सिबत खान ने कोल के किले के पास एक बहुत छोटा सा निर्माण कराया जिसे सिबतगढ़ नाम दिया। सिबत खान ने इस इलाके को अपने नाम से सिबतगढ़ के नाम से प्रचारित किया। इसके बाद ये पूरा इलाका जाट राजा सूरजमल के कब्जे में आ गया। जाटों ने मुख्य किले का नाम बदलकर रामगढ़ कर दिया। मित्रों ये बड़ी बात है कि जाटों ने जो है, जो सूरजमल थे, उन्होंने इसका नाम बदलकर रामगढ़ कर दिया था और फिर ये जगह रामगढ़ के नाम से प्रसिद्ध होने लगी। लेकिन दुर्भाग्य से ये जगह दोबारा अवध के नवाब के गवर्नर नजफ खान के अधिकार में चली गई। नजफ खान ने ही इस शहर का नाम अलीगढ़ रखा था, जो आज भी अलीगढ़ कहा जा रहा है। आज हम सभी महाराजा सूरजमल की प्रशंसा करते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं। उन्होंने नाम के महत्व को समझते हुए कोल को रामगढ़ उचित नाम दिया, लेकिन इस बात पर दुख भी व्यक्त करते हैं कि उनके विजन को आगे फॉलो नहीं किया गया। अब ना नजफ खान रहा, ना नवाबों का राज रहा, अब देश में देश की मिट्टी से प्यार करने वाले सच्चे बेटों का राज है। तो अब ये विदेशी आक्रमणकारियों के जबरन थोपे गए नामों को आखिर कब तक स्वीकार किया जाएगा, इस सवाल पर भी सभी को विचार करना चाहिए। अलीगढ़ का नाम बदलने की कवायद माननीय कल्याण सिंह जी ने अपने मुख्यमंत्री रहते हुए की थी, लेकिन केंद्र में कांग्रेस सरकार होने की वजह से सफल नहीं हो सके। अलीगढ़ के नाम बदलने की मांग आज भी की जा रही है, लेकिन देखना है कि ये शुभ काम किस महान हिंदू शासक के हाथों से
संपन्न होता है। और जितने भी अभी मित्रों, मैंने ये जो लेख था ये अपने फेसबुक पर, दिलीप पांडे नाम से मेरा फेसबुक पेज है, उस पर लिखा था 24 दिसंबर 2020 को। और मैंने ये लेख जो लिखा था, तो इस लेख में दिए गए ऐतिहासिक तथ्य अलीगढ़ जिले की सरकारी वेबसाइट में लिखे गए इतिहास और अलीगढ़ के ही प्रसिद्ध इतिहासकार से बातचीत के आधार पर लिया गया है। तो मैं आज भी एक बार फिर से अपील करता हूं केशव प्रसाद मौर्य जी से कि वो उप मुख्यमंत्री हैं, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, तो सिर्फ जो है मंच पर खड़े होकर के नारे लगाने से कार्य नहीं बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि इसका नाम हरिगढ़ रामगढ़, मैंने कहा तो रामगढ़ नाम रखिए, क्योंकि जाटों के राजा सूरजमल ने नाम हरिगढ़ रामगढ़ रखा था, तो रामगढ़ नाम होना चाहिए। पुराना नाम रामगढ़ ही है और ऐतिहासिक दस्तावेजों में नाम रामगढ़ दर्ज है, तो आप इसका नाम रामगढ़ रखिए, हरिगढ़ नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये नारे लगाने से काम नहीं चलेगा, कि नारे लगा रहे हैं वहां से मंच से, आप इसका नाम बदलिए, आप सरकार में, आपको नाम बदलना चाहिए। तो ये मैं समझता हूं कि एक बड़ी बात है। तो इसके अलावा मित्रों, एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैंने एक वीडियो देखा कि इसरो के जो पूर्व चेयरमैन है, यानी कि जब चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग हुई थी उस समय इसरो के जो पूर्व चेयरमैन थे, सबको वो तस्वीरें याद है मित्रों, क्योंकि दरअसल हुआ ये था कि इसरो के जो चेयरमैन थे वो काफ़ी रो रहे थे, और जब वो रो रहे थे तो मोदी जी ने उनको गले से लगा लिया था। तो ये जो पूरी घटना हुई थी, इस पूरी घटना में अगर देखा जाए तो एक उनका बयान सामने आया है इसरो के पूर्व चेयरमैन का, और वो बड़े वैज्ञानिक देश के हैं और उन्होंने अपने माथे पर तिलक लगाया हुआ है। तो ये बात, ये वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि विज्ञान सब कुछ है मगर भगवान से बड़ा कुछ भी नहीं है। और इसीलिए देखिए, जो सबसे बड़े देश के वैज्ञानिक हैं वो भी जब मीडिया के सामने आते हैं तो उनके माथे पर तिलक लगा होता है। ये मैं आपको बात दिखाना चाहता था। और इसके अलावा मित्रों, हम बात करेंगे एक और वीडियो की। ये वीडियो भी पाकिस्तान का बताया जा रहा है, और इस वीडियो में देखिए मित्रों, ऊँट का जो मूत्र है वो पिया जा रहा है। वहाँ पे एक महिला है, एक महिला मेरे ख्याल से वो न्यूज़ प्रेजेंटर है कोई, जो है ऊँट का मूत्र पीने का प्रयास कर रही है, ऊँट का मूत्र पी रही है। तो ये एक वीडियो था जो दिखाना ज़रूरी था। और मित्रों, मैं वहाँ पे जो भी ये हो रहा है, ऊँट का मूत्र अगर पी रहे हैं तो ये ऐसे ही नहीं पी रहे हैं, दरअसल उनकी जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि ये ऐसी मान्यताएँ हैं कि ऊँट का मूत्र वो लाभदायक मानते हैं। तो इसीलिए जो लोग इस तरह के दावे करते हैं, गौमूत्र पर फफ्तियां कसते हैं, उनको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो मित्रों, आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव, धन्य।